नमस्कार, मैं हूं मृदुल शर्मा। बंसल न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। इंदौर की एक बेटी जिसने कड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका वो लंबे समय से सपना देख रही थी। हम बात कर रहे हैं क्लैट 2017 की इंदौर टॉपर अनुजा मुकाती। अनुज्ञा ने क्लैट की परीक्षा में काफ़ी मेहनत की। 12वीं कक्षा के बाद एक साल का उन्होंने ड्रॉप लिया। एक साल में उसने सब कुछ भुलाकर हर दिन 13 घंटे पढ़ाई की। कोर्स के अलावा कई नामी वकीलों की किताबें उन्होंने पढ़ी। नतीजा ये हुआ कि सफलता अनुज्ञा के कदम चूम रही है। क्लैट में अनुज्ञा की ऑल इंडिया 178वीं रैंक है और इंदौर की वो टॉपर रही हैं। इस सफलता के बाद उन्हें इंतज़ार है ऑनलाइन काउंसलिंग का। मैं एक्चुअली घर में कोई मैं कभी कोई प्रोग्राम अटेंड करने नहीं गई। बाकी मैंने जैसे बोला मम्मी पापा ने बहुत ध्यान रखा, तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट एक आधे साल से मेरे घर में कुछ प्रोग्राम हुआ होगा। मम्मी पापा ने पूरा ध्यान रखा कि घर पे वो लोग कोई भी ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि मेरी पढ़ाई जैसी चलती है वैसी चलती रहे। बिकॉज मुझे हर रोज़ 12 to 13 hours स्टडी करनी रहती थी, तो उन्हें भी पता था कि इस सिचुएशन में मैं किस पोजीशन में नहीं हूँ कुछ भी अटेंड करने के। तो इवन मॉम डैड ने मुझे नहीं याद है कि लास्ट एक डेढ़ साल से कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी अरेंज कराओ घर पर। अब आगे क्या करने वाले हो? अभी आगे मैं अपनी काउंसलिंग का वेट कर रही हूँ, देन 5 साल तो लॉ कॉलेज एंड उसके बाद अभी डिसाइड कर। बेटी को ये मुकाम हासिल करवाने के लिए उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है। अनुज्ञा के शेड्यूल के अनुसार उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया। बेटी का ये मुकाम हासिल करने के बाद अब पेरेंट्स की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और हमने सालों से जब छुट्टी थी तब से ही डिसाइड किया था कि लॉ फील्ड में जाएगी, और इसके लिए उसी के लिए उसके हम लोगों ने तैयारी करी। एक साल का ड्रॉप दिलाया और ऑल इंडिया 176 की रैंक बनी है और 6 नंबर, ये वुमेन कैटेगरी में 6 नंबर पर ऑल इंडिया पे है। और बस आगे चाहेंगे कि बहुत अच्छी पढ़ाई करें। मैं इसको पूरा सुबह से लेकर रात तक पूरा प्रॉपर इसके टाइम टेबल का पूरा ध्यान रखती थी कि किस समय क्या देना है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कब कोचिंग जा रही है, आती इसे क्या देना है, ये पूरा ध्यान रखती थी सुबह से रात तक। हाँ, तो वो उस समय उसको कैसे इंटरटेन करना है, जैसे कभी नीचे वॉक पे ले जाना है, कभी थोड़ा बहुत टेरेस पे घुमाना है, कभी कुछ मार्केट थोड़ी देर लेकर जाना है, थोड़ा एक आध घंटे चेंज हो जाए, ऐसा पूरा ध्यान रखते थे। तो देखा आपने, अनुज्ञा ने मेहनत की और उसकी सफलता उन्हें मिली है। काफ़ी मेहनत उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ की है। सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ अनुज्ञा और उनके पिता भी मौजूद हैं। मनोज, जिस तरीके से अनुज्ञा ने मेहनत की है, इंदौर और प्रदेश का नाम ही रोशन किया है, कैसे उन्होंने ये मेहनत की, किस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया और अब ये मुकाम उन्हें मिल गया, कैसा उन्हें लग रहा है? देखिए मृदुल, कहते हैं ना कि पूत के पांव पाला में दिख जाते हैं, कुछ ऐसा ही अनुज्ञा भी है। पहले जब इन्होंने 12th पास किया तो 93% इनका रहा था, अच्छा खासा परसेंट था, और हर सब्जेक्ट में इन्होंने डिस्टिंक्शन लिया था। तो ये इस बात को जाहिर कर रहा था कि कहीं ना कहीं किसी दिशा में तो शायद अनुज्ञा को जाना होगा। सीधे हम बात करेंगे, अनुज्ञा मेरे साथ है और उनके पिता शशिकांत मुकाती जो यही इंदौर के रहने वाले हैं, वो भी यही मेरे साथ मौजूद है। अनुज्ञा, सबसे पहले तो आपको बधाई, ये सब कैसे हो पाया? ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरा हार्डवर्क था। मैं जैसे जिस दिन मैंने ड्रॉप लिया था उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जाऊंगी तो top 3 लॉ कॉलेजेस में ही जाऊंगी, और बस कांस्टेंट हार्डवर्क के कारण ही आज ये पॉसिबल हुआ। पहले कोई परिवार में रहा है इस फील्ड में, LLB जिसने किया हो या लॉ की तरफ कोई रहा है, ये कैसे मन में आया? होता यह है कि जब बच्चे 12th पास करते हैं तो वो दूसरे सपने देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर आगे चलकर कुछ और, लेकिन आप इस लाइन में कैसे? मेरे डैड का हमेशा से बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं एक लॉयर बनूं, बहुत अच्छी लॉयर बनूं, एंड मेरे परिवार में भी मेरे भैया भी लॉ कर रहे हैं, प्लस मुझे भी हमेशा से लॉ की बुक्स में, लॉ की फील्ड में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग से मैं ऐसी बहुत सारी बुक्स भी रीड करती थी, हमेशा सोशल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, तो ये सारे रीजन से मुझे ऐसा लगा कि लॉ इज़ अ गुड प्रोफेशन फॉर मी। बहुत कठिन होता है, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और यदि इंडिया की हम बात करें तो 178 आपकी पोजीशन है, तो ये सब करने के लिए कितनी मेहनत आपको करना पड़ा और कैसे इसमें आप कर पाए इसको?
मेहनत बहुत ज्यादा लगी। मैं कम से कम रोज 10 से 11 घंटे घर पे पढ़ती थी। उसके अलावा मेरे मॉम डैड ने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। हम लोगों ने पूरा एक साल मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन लोगों ने हमेशा चलते रहे। जितनी बजे मुझे खाना मिलना चाहिए उतनी बजे वो मुझे सब कुछ दे रहे थे। तो उनने पूरा ट्राई करा कि किसी भी तरह जो मेरा टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं हो। प्लस मैं सुबह सुबह अपनी कोचिंग पे 10 बजे चली जाती थी और रात को 8 बजे तक वहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी। तो ये सारे रीजंस ने हेल्प करी मुझे इस रिजल्ट में। मेरे साथ खुद उनके पिता भी है, आपको बधाई आपकी बिटिया के लिए। धन्यवाद। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा हम बात कर रहे हैं अनुज्ञा से, तो होता है कि आजकल अधिकांश हमने देखा है, ऐसे कई दफा इंटरव्यू करने का मौका मिला है बच्चों के, तो बच्चे तय करते हैं, माता पिता तय नहीं करते। मतलब एक जो परिपाटी बदल रही है, पहले होता यह था कि जो माँ बाप कहते थे वो बच्चे किया करते थे, लेकिन जब हम अनुज्ञा से बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा वो बिटिया ने किया। तो ये आपने तय किया था या खुद अनुज्ञा तय की थी? सर, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जो मैंने चाहा वो बिटिया ने किया, लेकिन मैंने कभी उन पे थोपा नहीं। मैंने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए, एक डॉक्टर के, एक इंजीनियर के या एक लॉ वाले के। मेरी बड़ी इच्छा थी कि बच्चे लॉ करें, क्योंकि मैं बहुत करीब से मैंने गरीबों को और लोगों को देखा है जिनके पास अच्छे वकील नहीं मिलते हैं, अच्छे लॉयर नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे लोग जेल में सिर्फ इसलिए बंद है कि उनके पास अच्छे लॉयर नहीं है। तो मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे दोनों बच्चे गरीबों के लिए काम करे। अपने लिए ठीक है, हर आदमी रोटी रोटी के लिए करता है, पर वो 10% रहे और 90% गरीबों के लिए करे। तो ये मेरा बचपन से एक सपना था जो मेरे बच्चे पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपके एक बेटा है, एक बेटी, दोनों ही इसी फील्ड में आपने उनको लेकर आ गए, तो क्या कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है कि समाज सेवा का, जैसा आप कह रहे हैं गरीबों के प्रति काम करने का, सबसे अच्छा मौका इस लाइन में मिलेगा? हाँ सर, सबसे अच्छा, क्योंकि दूसरे लाइन में बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली करते हैं, और इस सब करने के पीछे मैंने बच्चे को बचपन से ही, कुछ घरों में ऐसा काम करते हैं जैसे दिवाली दशहरे पे हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करते, हम रात में निकल जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। मेरे फ्लैट का इनॉग्रेशन वाला तो मैंने 200-250 अनाथ बच्चों को घर पे बुलाया, किसी रिश्तेदार दोस्त को नहीं बुलाया, उनको खाना खिलाया। तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ कि ये वही काम करे। तो ये सब कहाँ से आपके मन में आता है कि ये सब कर लिया जाए, बच्चों को भी आपने इस तरफ मोड़ दिया? वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब संस्कार जो कहा जाता है भारतवर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण रहा, भारतीय जब परिवार होते हैं तो उसमें संस्कार दिए जाते हैं, और आपने जो संस्कार दिए उसी संस्कार के आधार पर आज अनुज्ञा ये कर रही है। तो ये कैसे हो पाया, ये क्या एक, हालांकि ये सब होता है जब पारिवारिक, आपके पिता भी रहे होंगे तो वहीं से ये सब चलकर आता है। सर, थोड़ी सी स्टोरी है। फादर पीएचई में इंजीनियर थे, फिर बहुत अर्ली एज में पापा को खो दिया था। फिर मैंने 10 साल बैंक का केस लड़ा था, तब मुझे समझ में आया था कि यार अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छे वकीलों की बहुत कमी है। और यही सब मैंने करा, बच्चों को डे वन से उनको सिखाया, उनको समझाया, धीरे धीरे उनके दिल में डाला, प्रेशर कभी नहीं करा। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब कोई चीज कई दफा जिंदगी में ऐसी आती है मृदुल कि लगता है कि हम, हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, शायद इसीलिए। अनुज्ञा ये बताइए कि जब आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, अब आप सिलेक्ट भी हो गई क्लेट पर, लेकिन अब कौन सा कॉलेज आप चाहती हैं? अभी तक मेरी काउंसलिंग डेट्स नहीं आई है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा बैंगलोर या हैदराबाद में से किसी कॉलेज में हो जाए। क्या बैंगलोर हैदराबाद में क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बैंगलोर नंबर 1 पे प्लेस्ड है, हैदराबाद नंबर 2 पे प्लेस्ड है, बट मैं फर्स्ट 2 में से ही कोई चाहती हूँ। तो बैंगलोर जाना चाहेंगी, पहली कोशिश यही रही कि आप बैंगलोर पहुँच जाएं? हाँ बैंगलोर, पर मेरे को हैदराबाद एज अ सिटी ज्यादा पसंद है, तो थोड़ी प्रेफरेंस हैदराबाद के लिए मेरी ज्यादा है। और क्या करती हैं आप इसके अलावा, कैसे कर पाती बाकी समय? आप क्या पूरा टाइम आप पढ़ाई में लगाती हैं या कुछ और भी करती हैं? नहीं, मुझे बेसिकली बुक्स रीड करना, क्विजेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं बुक्स बहुत ज्यादा रीड करती थी ब्रेक के लिए। क्विजेस बहुत ज्यादा खेलती थी जब मैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये 2-3 वेज रहते थे जिससे मैं थोड़ा अपना स्ट्रेस हटाती थी। पापा से जैसा आपके बात हो रहे हैं, तो क्या पापा ने पहले, जिस तरह से पापा बता रहे हैं कि कई दफा जब परिवार में बात होती तो बातें सुनकर भी आपको लगता था कि नहीं पापा चाहते कि मैं वकील बनूं, तो इसीलिए आप वकील बनना चाहते? पापा चाहते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं हाँ। जब मैं सुनती थी उन्होंने उनकी लाइफ में क्या क्या फेस करा है, तो कहीं ना, जब वो मुझे बताते थे कि कैसे इन सारी चीजों में वो इंटेंगल हो गए थे, फंस गए थे, तो मेरी जरूर ऐसी इच्छा है कि मैं भी कुछ, जैसे उन्होंने बोला कि अच्छे लॉयर्स की बहुत कमी है, तो वो सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं अंदर से बहुत इच्छा आती थी कि मैं वो सब जो हुआ उसे तो चेंज नहीं कर सकती, बट आगे कुछ बहुत बेटर करूं उनके लिए। जब आप क्लेट करते हैं तो अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि वो एक अच्छा जज होगा, तो आपके मन में नहीं आता आप कभी जज बनेंगी, आप लॉयर बनने की बात कर रही हैं?
जैसे कि आपको पापा ने बताया कि उनने स्टार्टिंग से मुझे इस तरह मोल्ड किया है कि मैं आगे जाके लोगों की हेल्प करूं, बट कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग से ये भी पता था कि अगर मैं इस किसी फील्ड में जाती हूं तो मैं आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वो एक रीजन है कि मुझे उस तरह इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है कि मैं जज या ऐसा कुछ करूं। तो आपको लगता है कि आप जब वकील बनेंगी या एक अच्छी लॉयर होंगी तो लोगों की मदद कर पाएंगी? हाँ, लगता तो है। तो मृदुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अनुज्ञा से भी हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुज्ञा ने ये ठान रखा है कि उसको लायर बनना है, और कहानी जो चलकर सामने आती है, यदि पिता से बात करते हैं तो सचिकांत जी, किस तरह का संघर्ष रहा? जैसा आप बता रहे थे, कई दफा संघर्ष एक बड़ा अजीब सा मोड़ भी देता है और कई दफा वो एक ऐसा मोड़ देते था जैसे आपके बच्चे आपकी बात को मान रहे हैं। तो ये फिर मैं कहूंगा कि ये बहुत कम आज मिलता है कि जब पिता जो चाहे बचपन से वो बच्चे करने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। सर, ये किस्मत है, संस्कार है, पर मैंने 10-12 साल काफी लंबा संघर्ष किया। फादर एक्सपायर होने के बाद एक बिजनेस डाला था, वो डे वन ही मेरा फ्लॉप हो गया था, और मैंने 10 साल बैंक से लड़ा हूँ मैं। तो उन सब वजह से मैं खुद भी तकलीफ में आया, और वहां पे मैं बहुत सारे गरीब लोगों को, एक बार जब आदमी का बिजनेस खत्म हो जाता तो रईस भी गरीब हो जाता है, तो उनको वहां मैंने जब लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि वो गरीबों के लिए कुछ करे। पैसा अपनी जगह, कमाना अपनी जगह, पर मैक्सिमम काम गरीबों के लिए करें। तो बहुत बड़ी बात है। अनुज्ञा, ये बताइए कि जिस तरह से आप, यदि जज नहीं बनना चाहती, आप लॉयर बनना चाहती हैं, लेकिन एक चीज और अभी देखने में मिलती है, जब हम भारतवर्ष के तमाम सारे न्यायालय को देखते हैं, कोर्ट को देखते हैं, तो बहुत ऐसे मामले हैं जो अटके पड़े हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं जो बरसों से न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप एक अच्छा जज बनकर भी ये काम कर सकती थी? अच्छा जज बनकर मैं ये काम कर सकती हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि आजकल लॉयर्स की फीस इतनी हाई रहती है कि वो लोग किसी लॉयर को हायर ही नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस स्टेट में जाऊँ, उस जगह जाऊँ जहाँ पे मैं उन लोगों को एक अफोर्डेबल, एक बहुत अच्छी सर्विस दे पाऊँ। जज बन के वो काम हो तो सकता है, बट एज आई सेड कि वो पहले केस कोर्ट में आए, आधे केस तो कोर्ट में आने से पहले ही खत्म हो जाते, उसके बाद अगर वो कोर्ट में आए तो भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ मैरिज, डीमैरिज, मुझे हमेशा हर एक चीज लॉ के अकॉर्डिंग में करनी पड़ेगी, जिसके कारण मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मृदुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से अनुज्ञा बता रही है, और ऐसा हम जब बात भी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अभी हम किसी लॉयर से बात कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने अभी एक एग्जाम पास किया है और उसके बाद अगली जो तैयारी है वो ये है कि इनका जो कॉलेज मिलने वाला है वो बेंगलोर हैदराबाद मिले। बिल्कुल, जिस तरीके से अनुज्ञा और उनके पिता का कहना है कि वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं और आगे यही सोच है, इसी के तहत उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी की है। मनोज, अनुज्ञा से आप ये जानने की कोशिश करें और अनुज्ञा से पूछें भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आज के ज़माने की बात करें तो कंपटीशन हर जगह है, लेकिन उस कंपटीशन को फेस करना, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उसे कैसे फेस कर सकते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है जो क्लैट की तैयारी कर रही है, चाहे मेडिकल फील्ड की बात करें, तो वो इस कॉम्पिटिशन को कैसे फेस कर सकते हैं? अनुज्ञा, बड़ा टफ होता है आज के दौर में, चूंकि प्रतियोगिता का समय लगातार एक दूसरे का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में हम बात करें, मेडिकल की और खासकर क्रिकेट में। तो बाकी जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, तो ये सब कैसे कर पाए? कई दफा ये होता है कि जब वो किसी लड़ाई में लड़ रहे होते हैं या अपनी तैयारी करते हैं तो बीच से रास्ता अपना बैक कर लेते हैं, लेकिन आप लगातार कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कई बार कुछ एग्जाम्स लेते हैं तो स्कोर्स इतने ज्यादा लो आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है। बट मेरे साथ सबसे पहले तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली मम्मी पापा का सपोर्ट था, तो वो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं खुद में कॉन्फिडेंस था कि मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं वो कर सकती हूँ। प्लस मेरे जो मेंटर्स थे वो मुझे हमेशा बताते रहते थे कि ये सारी चीजें लाइफ में आएंगी और जाएंगी, ये वो एग्जाम नहीं है जिसे तुम्हें क्रैक करनी है, या ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे तुम्हें एग्जाम देनी है। तो अगर यहाँ पे तुम वीक पढ़ भी रही हो तो यू हैव टाइम कि तुम अपने आप को फिर से रिगेन कर सको। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, खुद के पोटेंशियल पे ट्रस्ट था, जिसके कारण आई गेस मैं लास्ट तक बनती रही, चलती रही। लेकिन जैसा आपने कहा कि कई कुछ मौके ऐसे भी आए जब आपको भी लगा कि शायद मुझे बैक होना चाहिए, लेकिन जो लोग बीच में रास्ता छोड़ देते, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
अगर एक बार आपने किसी चीज को करने का सोच लिया है तो बीच में छोड़ के चेंज करके आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। तो हमेशा अपना फोकस एक ही चीज पे रखना चाहिए। इतना ज्यादा फिकल होना कि एक चीज छोड़ के दूसरी चीज छोड़ के तीसरी चीज पे जाने में आप एक भी चीज नहीं हासिल कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक चीज करनी है तो फिर आपको उसी पर डटे रहना चाहिए। इतना ये शक्ति, इतना संबल आया कहाँ से? आप बिल्कुल बोली जा रही हैं और जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कुछ और भी करती हैं आप इसके अलावा कि सिर्फ पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ, बट मेरा जितना भी कॉन्फिडेंस है वो सब सिर्फ मेरे डैड के कारण है। कुछ और, कोई और शौक है आपको? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मुझे डांसिंग और सिंगिंग का भी बहुत शौक है, गाने सुनने का और डांस करने का। गाने गाने का शौक नहीं? नहीं। गाना गाती हो तो गाई? नहीं, मैं बिल्कुल गाना नहीं गाती। तो कभी आप पढ़ाई कर रही होती हो तो म्यूजिक कितना साथ देता है आपका? जैसे आपको लगा कि अब मैं बहुत लगातार पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद जैसा आपने कहा मन ऊब जाता है, तो क्या उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, म्यूजिक बहुत ज्यादा साथ देता है। इवन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और लॉजिक रीजनिंग, जिनको आपको सिर्फ सॉल्व करना रहता है, तो मैं बहुत बार जब लास्ट में थक जाती हूँ तो मैं ऐसी सारी चीजें म्यूजिक सुनते सुनते ही सॉल्व करती हूँ। और मुझे लगता है कि इट इज अ गुड वे, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कई दफा देखा है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं लगातार पढ़ाई 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 करते हैं लेकिन सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं, और आपने इतना, जैसा आपके चेहरा भी इस बात को बता रहा है, हालांकि आपके पिता बहुत ही, ये कहा जाए कि एक लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति है, उनसे आपको बहुत कुछ मिला है, पर ये कैसे हो पाता है कि कई दफा लोग बहुत लगातार मेहनत करते सफल नहीं होते और कई दफा कम मेहनत के बाद भी व्यक्ति सफल हो जाता है? बेसिकली क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, ये तो हम सभी जानते हैं और बार बार कहते भी रहते हैं कि इट इज क्वालिटी दैट मैटर्स। तो मुझे भी यही लगता है कि 10 घंटे भी पढ़ो और उसमें अगर आप विदाउट कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हो, उससे अच्छा तो 2-4 घंटे ही पढ़ो पर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। तो मेरे साथ बचपन से ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर मुझे किसी चीज में एक्चुअली फोकस करना रहता है तो मेरे लिए वो बहुत ईजी रहता है कि मैं उस चीज में अपना पूरा ध्यान दे सकती हूँ। तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरी सक्सेस का। शशिकांत जी, कैसे बच्चों को इतना आप सब कुछ दे पाए, क्या उसके लिए कुछ खास? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो देख रहे होंगे, आपके जैसे पेरेंट्स भी हैं, वो भी अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप ये सब संस्कार दे पा रहे हैं कि कभी ना तो थकान है अनुज्ञा के पास, ना ही कभी पढ़ने में मन हुआ, कहती है कि मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ, तो आप खुद भी म्यूजिक सुना करते थे या कैसे ये सब होता है, ये जो संस्कार आपने दिए है वो कैसे? सर, कुछ तो इन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, कुछ मैंने इनको हमेशा बूस्टअप किया कि यार संघर्ष लाइफ में चलता रहता है, जिंदगी अपनों को खुले दिल से करना है। और टच वुड की ये डिस्को भी जाती है, ये कभी इसमें ऐसा नहीं रखा मैंने कि एक लड़की है, घूमने भी जाते हैं, एक रेगुलर इसको एनर्जी भी देते रहते हैं। पर इसके अंदर एक अच्छी बात रही कि जो मैं भी सबको बोलना चाहूंगा, हर मदर फादर को, स्पेशली हर बच्चे को जो अभी 11th 12th में, किसने 11th से व्हाट्सएप फेसबुक या सोशल साइट कभी हाथ नहीं लगाई, इसने अपने हाथ से मुझे अपना मोबाइल दे दिया, बोले पापा ये मोबाइल आप लीजिए, अब मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है। अगर इसकी किसी फ्रेंड को या किसी को जरूरत होती तो मेरे या मेरी वाइफ के मोबाइल पे कॉल करके इससे बात करता है। तो कम से कम 1-2 साल के लिए जो बच्चे रेस में हैं उनको ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगी। सोशल, इसने जब मोबाइल का उपयोग किया उस पर व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, लेकिन जितने भी एप्स थे सब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के, टाइम्स नाउ के, इसके उसके, जो अच्छे एजुकेशन वाले थे, तो वो दिन भर उसी में लगी रहती थी, सो के उठती थी वैसे ही सबसे पहले आज करंट अफेयर क्या है, आज क्या है, वो सब देखती थी। तो कहीं ना कहीं घर का माहौल बहुत अच्छा रखा, हंसी मजाक मस्ती करी, बेटी को बेटी नहीं माना, दोनों को एक जैसा माना बच्चों को, और उस सब चीजों के पास इनको भी एनर्जी देते रहे और बढ़िया हो गया हमारा। तो आपको लगता है कि बेटे से बढ़ के बेटी होती है? बिल्कुल, तो दोनों ही है। हाँ, मेरे दोनों है, लेकिन मैं बचपन से अपनी मम्मी को देखता था कि रहती पापा के यहाँ है, खाती पापा का है, लेकिन गुन गाती थी नाना जी के या मामा जी के, तो मुझे लगता था कि नहीं, बेटी इज मोर बेटर देन बेटा। ये बताइए कि इस समय अनुज्ञा, तमाम सारे लोग जैसा आपके पापा बता रहे हैं, या तो वो फेसबुक पर लगे होते हैं या फिर ट्विटर, बहुत सारी चीजें इस समय तो सोशल मीडिया पर, आप कैसे दूर हो गए इससे, कैसे बच पाई आपको, और आपको लगता है कि जब आप इससे बची शायद इसी का एक वजह है कि आप नंबर वन?
कहीं ना कहीं मुझे हाँ लगता है कि अगर मैं अभी भी उन सब चीजों पे होती तो ये अचीव करना तो इम्पॉसिबल था, बिकॉज हम लोग उन सारी चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि बाकी हमें और क्या करना है या हमें और क्या करना चाहिए। स्पेशली मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरे सारे फ्रेंड्स कॉलेजेस में थे, तो हर थोड़ी देर में कभी यहाँ चलो कभी वहां चलो के मैसेजेस, वो जोक्स, हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें फॉरवर्ड करें तो एक या दो मिनट ही वेस्ट हो रहा है, पर वो एक दो मिनट करके एक घंटा दो घंटा तीन घंटा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। और स्पेशली जब आप ऐसी कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल बने, एक अच्छा करियर हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक दो साल ये सारी चीजें गिव अप करने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। मैंने भी एक दो साल करा, अब मैं सब पे वापस आ गई हूँ, पर मैंने बहुत कुछ गेन करने के बाद मैं वापस आई हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन सारी चीजों पे बने रहना इतना इम्पोर्टेंट है इतने इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ माई लाइफ में। तो आप जो तमाम सारे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनके लिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगी, चूंकि आप तो अब सफल हो गई, अगली सफलता की सीढ़ी और आपको चढ़ना है, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसे सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं आपके लाइफ के, अभी इन्हें पढ़ाई में डेडिकेट कर दीजिए, उसके बाद बहुत इजी बहुत केक वॉक जैसी लाइफ रहेगी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपना बेस्ट दें एंड बहुत अच्छा अचीव करें। तुम मृदुल देख रहे हैं, तमाम सारे दर्शक भी देख रहे होंगे किस तरह से आपको अपनी तैयारी करना है, और अनुज्ञा जिस तरह से बात कर रही है चेहरे पर एक चमक है, बात करने का एक सलीका भी है, चूंकि वो संस्कार के साथ मिला, लेकिन ये बताती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा समय अपना या तो व्हाट्सएप पर देते हैं या फेसबुक पर देते हैं, थोड़ा सा उससे बचिए, जैसा अनुज्ञा कह रही है। हमें उम्मीद है कि अनुज्ञा और आगे जाएगी। जी मृदुल, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम बातचीत के लिए, और अनुज्ञा और शशिकांत जी का भी बहुत शुक्रिया। अनुज्ञा ने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने बताया एक लक्ष्य सेट किया, दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ी और आखिरकार सफलता उन्हें मिली। खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।